पिछले कुछ समय में सेट पर तीन बार बेहोश हो चुके कपिल शर्मा के हेल्थ को लेकर उनके फैंस परेशान हैं। लेकिन इसी बीच कपिल की बहन के खुलासे ने उनके फैंस को परेशान के साथ हैरान भी कर दिया है। उनकी बहन ने बताया है कि कपिल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। अगर हम कपिल के करियर और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी पिछली कुछ घटनाओं को देखते हैं तो डिप्रेशन की 5 वजहें सामने आती हैं। साल 2016 में जब कपिल का शो शुरू हुआ उस समय कपिल पर TRP यानी परफॉर्म करने का दबाव था, लेकिन साल बीतते बीतते शो की TRP गिरती चली गई और कपिल पर परफॉर्म करने का दबाव बढ़ता गया। अब खबर है कि Sony TV कपिल के कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी नहीं बढ़ा रहा है। इस खबर से कपिल क्या कोई भी डिप्रेस हो सकता है? हाल ही में फ्लाइट में हुए सुनील ग्रोवर के साथ झगड़े के बाद लोग ये कहने लगे कि कपिल में स्टार वाली अकड़ आ गई है, ऐसे में अपना काम और इमेज गिरता देख हो सकता है कपिल डिप्रेस हो गए हों। तीसरा कारण दोस्तों से दूरी हो सकती है। कपिल ने अपने जिन दोस्तों के साथ अपने प्रोडक्शन हाउस और शो की शुरुआत की थी वो दोस्त अब उनसे दूर चले गए हैं। हो सकता है कपिल को शुरुआत में इसका एहसास न हुआ हो, लेकिन अब उन्हें दोस्तों की कमी खल रही है और इस वजह से वो डिप्रेशन में आ गए हैं। एक और वजह छोटे पर्दे पर कड़ी प्रतियोगिता भी हो सकती है। आने वाले समय में कपिल के मुकाबले कई शोज आ रहे हैं। द ड्रामा कंपनी शुरू हो चुका है और KBC के प्रोमोज भी आ चुके हैं। इस तरह कंपटीशन में खुद को ना देखना भी कपिल के डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है। कपिल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म फिरंगी की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में कपिल के पैसे भी लगे हैं। बताया जा रहा है कि छोटे पर्दे पर अपनी हारती बाजी देख कपिल को ऐसा लगने लगा है कि कहीं यह फिल्म भी फ्लॉप ना हो जाए। हो सकता है इस कारण भी कपिल परेशान हो। ये तो हुए प्रोफेशनल कारण। अगर पर्सनल फ्रंट की बात करें तो हो सकता है कपिल की अपनी गर्लफ्रेंड गिन्नी से लड़ाई हो गई हो। बहरहाल हम तो यही दुआ करेंगे कि कपिल को इस डिप्रेशन से जल्दी छुट्टी मिले।